नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल में। आज एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं थोड़ा। हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जनरली इसके बारे में तो पता होता है, लेकिन उसका रीज़न क्या है बेसिकली, तो वो टॉपिक हमारे पास जो है वो है कि पावर ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है मैक्सिमम, वो फुल लोड पे क्यों देता है अपनी, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो 50% ऑफ फुल लोड पे ही क्यों डिज़ाइन होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन दोनों ट्रांसफार्मर के बीच में फ़र्क क्या होता है, मेजर डिफरेंस क्या होता है एक पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। तो देखो यार, पता क्या, पावर ट्रांसफार्मर एज द नेम सजेस्ट, ट्रांसफार्मर विच इज यूज एट अ पावर लेवल, ओके, यानी हाई वोल्टेज लेवल पे जो ट्रांसफार्मर यूज होता है उसे पावर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जैसे जनरेटिंग स्टेशन पे यूज होने वाला ट्रांसफार्मर जहां बिजली बनती है, ठीक है ना, UPRV UNL या फिर हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड या फिर उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड या फिर NHPC का नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है, वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग में ट्रांसफार्मर यूज होगा वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए, वो पावर ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है ना। और किसी भी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सबस्टेशन पे जो जैसे कि 400 केवी के, 132 केवी के, 220 केवी पे केवी के या फिर 765 केवी जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज पे चलती है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज पे जो ट्रांसमिशन होती है वहां पे भी जो ट्रांसफार्मर होगा वो पावर ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है ना। अब पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है बेचारा वो यूज होता है लोकेलिटी पे। आपने देखे होंगे पोल माउंटेड सबस्टेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन में गलियों पे, गली मोहल्लों के बीच में लगे होते हैं, ठीक है ना, एच टाइप पोल में, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, 33/11 केवी, और जो 33/11 केवी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में लगे होते हैं, जैसे UPPCL के काफी सारे 33/11 केवी सबस्टेशन जाके देखना जहां पे पब्लिक डीलिंग होती है, ठीक है ना। इसी तरह उत्तराखंड के 33/11 केवी सबस्टेशन हो गए, हरियाणा के हो गए, पंजाब का कोई भी 33/11 केवी सबस्टेशन होगा वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कनेक्ट होगा, ठीक है। और जो पोल माउंटेड सबस्टेशन होते हैं वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, 11-440 वोल्ट पे भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है बेसिकली ये कनेक्ट होता है लोकेलिटी से, लोकल कंज्यूमर से। पावर ट्रांसफार्मर जो होता है वो कोई लोकल कंज्यूमर से कनेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। पावर ट्रांसफार्मर का काम होता है जनरेशन और ट्रांसमिशन सबस्टेशन पे, ठीक है। अब ध्यान से इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, पावर ट्रांसफार्मर जनरली क्या होता है, ट्रांसमिशन जनरेशन और ट्रांसमिशन में जो लोड होता है ना वो बहुत ज्यादा कम फ्लक्चुएट करता है, ठीक है ना, कांस्टेंट लोड होता है उनके फीडर पे, बहुत कम, कभी एक आधी बार कभी फ्लक्चुएट कर गया दिन में, ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट लोड होता है पावर ट्रांसफार्मर में। अब देखो जनरेशन जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं उनका काम बेसिकली क्या होता है, पावर को जनरेट करना और ट्रांसमिशन को दे देना, ठीक है ना। तो लोड में फ्लक्चुएशन ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, थोड़ा सा ही होगा। और जो ट्रांसमिशन का काम क्या होता है, ट्रांसमिशन सबस्टेशन का, वो क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन को सप्लाई दे देना, यानी सप्लाई को मेंटेन करके रखना ट्रांसमिशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन तक, ये ट्रांसमिशन सबस्टेशन का काम होता है। और ट्रांसमिशन सबस्टेशन में भी क्या लगते हैं, पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर पे जो लोड होता है बेसिकली वो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टेंट रहता है, तो जिसकी वजह से पावर ट्रांसफार्मर को आराम से ऐसा डिजाइन किया जा सकता है कि वो अपनी जो एफिशिएंसी है वो फुल लोड पे दे सके। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तो बेचारा हमारा लोकेलिटी पे कनेक्ट होता है, लोकल कंज्यूमर से कनेक्ट होता है, ठीक है, उसको कितनी जगह लोड को फीड करना होता है। देखो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर करेगा, कमर्शियल कंज्यूमर को भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर करेगा, रेजिडेंशियल कंज्यूमर जो हमारे जैसे से होते हैं, ठीक है ना, जो आम कंज्यूमर होते हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फीड करेगा सप्लाई, ठीक है। और म्युनिसिपल लोड को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, एग्रीकल्चर लोड को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, स्ट्रीट लाइटनिंग पे जो कनेक्शन जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जाती है, ठीक है ना, किसी लोकल कोई लोकल छोटी मोटी कारखाना बन रहा है कहीं पे वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से सप्लाई जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे जो लोड होता है बेसिकली ये अनइवन होता है, अनबैलेंस्ड होता है, ठीक है ना, बहुत पूरे दिन फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो लोकल कंज्यूमर्स होते हैं उनकी भी अपनी अपनी पीक डिमांड होती है, और ठीक है ना, इसी तरह इंडस्ट्रियल कंज्यूमर भी अपनी कोई पीक डिमांड होती है, ठीक है ना। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे लोड होता है बेसिकली वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, ठीक है ना, कभी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को कभी भी हम फुल लोड पे ऐसे डिजाइन नहीं कर सकते कि वो अपनी एफिशिएंसी फुल लोड पे दे,
तो उसको 50% लोड पे ही डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां तो कोई फायदा नहीं है फुल लोड पे डिजाइन करने का, क्योंकि वहां पे तो पीक डिमांड कभी होगी ही नहीं, अनबैलेंस लोडिंग होती रहती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि वो 50% ऑफ फुल लोड पे अपनी अनबैलेंसिंग होने की वजह से, अनबैलेंसिंग लोड होने की वजह से 50% ही अपने 50% एफिशिएंसी 50% ऑफ लोड पे ही सॉरी 50% ऑफ लोड पे ही अपनी एफिशिएंसी दे पाता है, ठीक है ना। और कभी कभार 50 से भी कम 30% हो गया, ज्यादा ज्यादा हद से ज्यादा जो होता है 70-75% ही अगर एफिशिएंसी देगा, अगर 50 से ऊपर देगा तो, मतलब अगर कभी ज्यादा फुल लोड की डिमांड पड़गी तो। वैसे 50% ऑफ एफिशिएंसी पे डिजाइन किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को, ठीक है, और पावर ट्रांसफार्मर को फुल लोड पे। अच्छा, एक और बात, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है वो 24 आवर एनर्जाइज्ड होने वाला ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, और जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो 24 आवर एनर्जाइज जरूरी नहीं है कि होए, ठीक है ना, उसको शट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को बहुत, क्योंकि 24 आवर उसको सप्लाई देनी पड़ती है, ठीक है ना, अन इवन लोड उस पर होता है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, मतलब फुल लोड एफिशिएंसी जो होती है वो जो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है 50% ऑफ फुल लोड पे ही दे देता है, ठीक है। थैंक यू।